सो आज मैं आपको लेके आई हूँ देहरादून के ब्यूटीफुल से कैफे में, जो आपको लग्जरी प्लस पिंक वाइब देगा। इस कैफे का नाम है एक्सो एक्सो कैफे। आप सोच रहे होंगे एक्सो एक्सो ये कैसा नाम है, बट इसका एक मीनिंग होता है। एक्स मतलब होता है हग और ओ मतलब होता है किसेस, hugs and kisses। सो हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज दीपिका एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल से कैफे में, जो एकदम लग्जरी वाइब देता है। आपको दिख ही रहा होगा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस कैफे का लोकेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। इस कैफे में जब हम स्टार्टिंग में एंट्री करते हैं तो हमें ये एसटीडी कॉल का एक मॉडल दिखता है, जो कि पिंक कलर का है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप एकदम ब्यूटीफुल से एस्थेटिक से फोटो क्लिक कर सकते हैं। अंदर एंट्री करते ही आपको यहाँ का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम क्यूट सी वाइब दे रहा था। ये जो कैफे है यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर यूज किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे सब कुछ ना एकदम ब्लॉसम सा दिख रहा है। यहाँ का जो सबसे क्यूट पार्ट है वो मुझे ना ये वाला सिटिंग एरिया लगता है। यहाँ पे साइड में ये व्हाइट कलर के कर्टेन्स लगे हुए हैं, ऊपर यहाँ पे एक प्यारा सा झूमर है और यहाँ पे वॉल में ना विंडो बना रखी है जिसमें ये पैरिस दिख रहा है। फुल ऑन ये कैफे ना लंदन वाली वाइब देता है। एक्चुअली इसे कई लोग लंदन वाला कैफे भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है ये थोड़ा फॉरनर वाले कैफे का है। दिखने में तो मुझे कैफे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बारी आती है यहाँ के फूड की और टेस्ट की। आई डोंट नो यहाँ का प्राइस कितना होगा, दिखने में तो काफी लग्जरी लग रहा है। तो ये है यहाँ का मेन्यू। देखो प्राइस तो अदर कैफे के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा है। एक्चुअली है ही जब इतना सुंदर तो प्राइस तो आपको पता ही है कि ज्यादा होते ही है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 150 से प्राइसिंग स्टार्ट है और इससे ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। बाकी मेन्यू कार्ड मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है थोड़ा बहुत। प्राइसिंग इतनी ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा ओवर प्राइस भी नहीं है। 300-400 यार चलता ही है, बर्थडे पार्टी के लिए इतना तो चलता ही है। हाँ, बट ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वेज मील है वो यहाँ पे अफोर्डेबल है और जो नॉन वेज प्लेटर्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव में हैं। खैर मैं तो आई थी यहाँ पे अपने फ्रेंड लोगों के साथ विंटर्स में, तो हम लोगों ने पहले अपने के लिए कॉफी मंगाई। यहाँ पे ना वैसे ऑलरेडी टेबल में बॉटल्स रखी हुई थी, ये ब्लैक वाटर भी और ये जो नॉर्मल पानी हम पीते ही है वो भी। तो समझ सकते हैं आप कि ये कैफे कितना लग्जरी है। सो हमारी कॉफी यहाँ पे आ गई थी और इसके साथ जो ये कुकीज मिली है ना, ये कॉम्प्लीमेंट थी। देखो कॉफी तो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी। देखो कॉफी का टेस्ट तो मुझे बढ़िया लगा, बट थोड़ी सी कड़वी थी कॉफी, क्योंकि वो ज्यादा शुगर डालते ही नहीं है कॉफी में। एक्स्ट्रा शुगर आपको दी जाती है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है आप एक्स्ट्रा शुगर डाल सकते हैं अपनी कॉफी में। इसके बाद मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे डोनट्स मंगाए, बट भाई मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने लगी और मुझे पता नहीं चला कि कब उन्होंने वो डोनट खा भी लिए। खैर आपको यहाँ पे ना सिटिंग एरिया काफी मिल जाएंगे, अंदर भी और बाहर भी। वैसे कैफे प्लस बेकरी दोनों ही है। यहाँ पे आपको पेस्ट्रीज, कुकीज, डोनट्स, केक सब कुछ मिल जाएगा, इवन चीज केक भी मिल जाएगा। और यहाँ पे कुकीज भी हैं जो कि आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं ना, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे अवेलेबल थी। इवन यहाँ पे ब्रेड, बर्न सब कुछ अवेलेबल थे। और ये सारी चीजें ये अपनी बेकरी में ही बनाते हैं, कुछ भी चीज बाहर से नहीं आती है, सारी फ्रेश अपनी बेकरी में ही बना के यहाँ पे बेचते हैं। इस एक्सो एक्सो कैफे का लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ। देहरादून में जब हम राजपुर रोड की तरफ आते हैं ना, तो राजपुर रोड से जब हम ऊपर मसूरी के लिए जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ना तुम्हें ये बहुत सारी दुकानें दिखेंगी। तो यहीं पे ये एक्सो एक्सो कैफे है, जो कि बेकरी कैफे प्लस पेस्ट्री शॉप दोनों ही है। इवन यहाँ पे ना आपको लापिनोज पिज्जा भी दिखेगा, तो आप उस लोकेशन को सर्च करके भी इस कैफे तक पहुंच सकते हैं। वैसे आपको ये राजपुर रोड दिखाई दे रही है, ये नीचे के लिए मसूरी के लिए जा रही है याली रोड, तो बस यहीं पे साइड में ये कैफे है। सो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।